नमस्कार डेली डेली न्यूज में आप सभी का स्वागत है। क्या खूब कहा है फैजल जी ने, हर एक बात को चुपचाप क्यों सुना जाए, कभी तो हौसला करके नहीं कहा जाए। और यह हौसला दिखाया 2GBTQ समुदाय ने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कम लैगिंग को अपराध बताने वाले धारा 377 वैधता पर गुरुवार को अहम फैसला सुनाया है। आपको बता दें, 5 सदस्य संविधान पीठ ने IPC की धारा 377 को मनमाना और अतार्किक बताते हुए निरस्त कर दिया है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा कि सभी जजों की सहमति से फैसला लिया गया है। कोर्ट ने कहा सभी को समान अधिकार है, और संविधान पीठ ने कहा समाज को व्यक्तिगतों से अलग नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ ने कहा है कि समलैंगिकता संबंध अपराध नहीं है। संविधान पीठ में मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, रोहिंटन नरीमन, जस्टिस MM खानविलकर, जस्टिस इबाही चंद्र जैडू और या जस्टिस इंदु मल्होत्रा की पीठ ने यह फैसला सुनाया है। आपको बता दें, धारा 377 में अप्राकृतिक यौन संबंधों को लेकर अपराध के तौर पर जिक्र है। इसके मुताबिक जो भी प्रकृति की व्यवस्था के विपरीत किसी पुरुष, महिला या पशु के अलावा यौनाचार करता है, उसे उम्र कैद 10 साल तक की कैद और जुर्माना की सजा हो सकती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।